यूरोपियन यूनियन, जिसमें 28-29 से ज्यादा देश हैं, यूरोपियन यूनियन में भी पेट्रोल और डीजल पर 45% से लेकर 60% और टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, स्टोरेज लेवी के नाम पर, सिक्योरिटी लेवी के नाम पर, इन्वायरमेंटल टैक्सेस के नाम पर। तो यानी यूरोपियन यूनियन जो दुनिया के विकसित देश जो 27, 28 या 29 जो भी देश होंगे, वहाँ भी टैक्स की दर 45 से 60% है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पूरे दुनिया में जहाँ भी अधिकांश देशों में जब पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगता है तो उसका दो हिस्सा होता है, एक जिसकी क्रेडिट मिलती है और एक जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। तो कल अगर भारत में अगर जीएसटी में इसको शामिल भी करेंगे तो 28% के ऊपर में ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ेगा, लेवी लगानी पड़ेगी ताकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहे। तो आज जहां लगभग केंद्र राज्य दोनों मिलकर 55 से 60% की टैक्स वसूल रही है पेट्रोल डीजल पर जी, सुशील जी, इतने बड़े राजस्व का नुकसान जी न तो केंद्र स्वीकार कर सकता है न राज्य सरकार स्वीकार कर सकता है। ये सुशील जी वो बात मैं, सुशील जी जी, कोई पार्टी हो जो भी सरकार चला रही है वो कोई मामूली, और अगर इतने बड़े राजस्व की क्षति होगी तो इसका शॉर्टफॉल की प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी, राजस्व कहाँ से आएगा, ये बात मैं समझ गया। फिर विकास के काम सुशील जी,